अभी मुझे सबसे पहला काम क्या करना है कि लाइक चीज़ों को मुझे मैनेज करना है यहाँ पे, और चीज़ों को मैं कैसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ मैं यहाँ पे देखना है कि भाई कैसे क्या काम करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला काम जेड एड को ऑफ कर देना, ठीक है, RGB को ऑन करना। ओके, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, जब मुझे यहाँ पे टेक्सचर पेंट करना है, टेक्सचर पेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे गया कलर पे गया। अब मुझे कलर में कैसे फिल करना है, जैसे मैं डार्क है ग्रीन पे गया या ग्रीन, तो यहाँ पे देखना डार्क ग्रीन इस टाइप से यहाँ पे देख रहे हैं, हल्का सा येलोइश भी है, तो ऐसे करके थोड़ा सा कलर मैनेज करने की कोशिश करना है क्या, कि देखो यहाँ पर मैं कितना काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऐसा कुछ किया, यहाँ पे कलर पे गए, फिल ऑब्जेक्ट, फिल ऑब्जेक्ट करने के बाद क्या होता है, अगर मैं आप कलर चेंज करूँ तो एक चेंज नहीं होगा, पूरा मेरे पास फिल हो गया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं पेंट करना स्टार्ट करता हूँ। पेंट करने में क्या है, देखो यहाँ पे अभी पेंट करने में भी प्रोसेस क्या होता है कि आप यहाँ पे जो स्टैंड कितना लेके चल रहे हो, ठीक है, साइज़ बड़ा किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैं अब देखो मैं लाइट शेड में यहाँ पे काम कर रहा हूँ क्या, कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा दिखे, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी काम करता हूँ, हल्का हल्का कुछ इंपैक्ट आ रहा है। दूसरी चीज़ ये क्या है, अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए तो मैं यहाँ पे स्प्रे लेता हूँ क्या, स्प्रे में आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस टाइप से थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो लेकिन मेरे पास यहाँ पे कैसे क्या शेप है, ठीक है, क्या पार्ट है, मैं इस टाइप से थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ भाई, हल्का हल्का रैंडमली यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, कि शेप में यहाँ पे थोड़ा सा लाइक बेसिक वेरिएशन है। देखो वहाँ पर जो डेप्थ वाला पार्ट था हमने जो पॉली पेंट में देखा था उसमें, तो वो पार्ट यहाँ पे अपने आप डेप्थ अपने आप यहाँ पे विजुअल है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक अभी चीज़ों को तो कुछ स्टेप से थोड़ा सा लाइट में यहाँ पे दिखाया, अभी लाइट शेड भी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अभी यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ को किस टाइप से मैनेज कर सकता हूँ। अभी एक चीज़ देखो हल्का सा येलोइश है यहाँ पे, ठीक है, और देन ये जो पेंट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा पार्ट आपके यहाँ पे साइज़ के साथ ये हल्का सा ये इसके ऊपर यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। लाइट वाला पार्ट आप यहाँ पे देखोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ पे गिवन है यहाँ पे कि कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। वो धीमे धीमे इन चीज़ को समझना है कि देखो वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए, मेरे पास ऐसी चीज़ें दिख रही है कि नहीं, ये चीज़ समझना है, ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे करना है हल्का सा डार्क ब्राउनिश, ठीक है, ये पार्ट कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे निकालता हूँ, दो तीन चार कलर जो भी है उस कलर को मैं कैसे ले रहा हूँ। अभी देखो स्ट्रेंथ आपका कम है, स्ट्रेंथ कम होने पर क्या होगा कि लाइक आप यहाँ पर चीज़ को आराम से मैनेज कर सकते हो, लाइक वो मिक्स भी हो जाएगा, मैनेज भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं हल्का हल्का यहाँ पे लाइक पेंट करके यहाँ पे देख रहा हूँ भाई बस यहाँ पे क्या है, ठीक है, हल्का सा लाइक यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो चीज़ दिखे आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से है, ठीक है, यहाँ से मैं देखता हूँ हल्का सा ग्रीनिश में गए यहाँ पे, ठीक है, ग्रीनिश के अंदर यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा ग्रीनिश वाला पार्ट मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ को अभी यहाँ पे धीमे धीमे आप अगर देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। जस्ट पहले क्या करना, पहले वेरिएशन क्रिएट करो क्या, दो कलर तीन कलर आपके यहाँ पे दिखना चाहिए कि भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट है यहाँ पे विजुअल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क कर दिया, मिड टोन पे हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर से हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे पास शेप्स यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ हल्का सा, देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो थोड़ा सा वेरिएशन में यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलना है, ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिया, ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे दो तीन कलर हो सकता है, ब्लेंडिंग में यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसा थोड़ा सा शेप को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो हल्का फुल्का यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शेप को यहाँ पे लिया। अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ सोचता हूँ, मैं डार्क करना है, मैं डार्क भी करूँगा यहाँ पे। अभी यहाँ देखो यहाँ का जो कलर है वो कलर थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप कलर वाइज देखूँ यहाँ पे, तो कलर वाइज मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा दिखेंगी मैं किस टाइप से कलर को पेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, साइज़ को थोड़ा सा बड़ा छोटा करना है यहाँ पे, यहाँ देखो ये थोड़ा सा पार्ट। अभी यहाँ से थोड़ा सा लाइक आपको मैनेज करते चलना है क्या कि शेप्स आपके पास कैसे हैं, क्या डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किस टाइप से आपके पास लाइक वेरिएशन है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके चलना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं लाइक लुक वाइज थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ब्लेंड करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन दे रहा हूँ हल्का सा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे दो तीन शेड आपको दिखना स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे टेक्सचर पे दिखाऊँ तो टेक्सचर में दो तीन चीज़ें आपके पास यहाँ पे प्रॉपर विजुअल हो रही हैं कि भाई कैसे मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। लाइट डार्क थोड़ा सा मिड टोन
कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे देखो, जैसे मैं लाइट कलर यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दूंगा तो लाइट कलर में यहाँ पे चीज़ें आपके पास दिखेंगी कि भाई ऐसा कुछ पार्ट है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। कैसे आप मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे हल्का हल्का ब्लेंड करके आपको देना है यहाँ पे। टेक्सचरिंग का काम ही होता है कि टेक्सचरिंग में आप कोई भी काम करते हो तो लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें अपने तरफ से ऐड ऑन करता है कि थोड़ा सा चीज़ को लाइक कैसे प्रॉपर दिखे। अभी यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ पे क्या करना है, मुझे भी थोड़ा डार्क डार्क एरिया पे काम करना है। डार्क एरिया पे काम कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ को थोड़ा सा डार्क करना है, जो मुझे थोड़ा सा डार्क दिखना चाहिए। डार्क करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सा, ठीक है, आप यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर दो तो यहाँ पर आपको डार्क कलर दिखेगा क्या। देखो यहाँ डार्क कलर है यहाँ पे, अभी इन डार्क कलर को थोड़ा सा और डार्क करते हैं। जितने में बस यहाँ पे डेप्थ है, देखो ये कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे, जितने भी कॉर्नर है उस कॉर्नर को मुझे यहाँ पे लाइक हल्का सा यहाँ पे देखो ये हाईलाइट कर देना यहाँ पे। देखो दिख रहे हैं यहाँ पे जो भी बस कॉर्नर पार्ट है, यहाँ पे मुझे डेप्थ ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्क करना है यहाँ पे, वहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा यहाँ पे। जैसे जो भी कर्स है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं ऐसा कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। देखो मैं अभी यहाँ पे काम कर दूँगा, ये जो शेप से मैं बस यहाँ पे ये कुछ स्टेप से मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। देखो ये मैं बस डार्क है, ये मैं बस डार्क है यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा स्टैंड बढ़ा के देखो यहाँ पे कि भाई मैं बस यहाँ पे देखो यार ये आपका थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा पार्ट लाइक इस टाइप से काइंड ऑफ, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं लाइट करता हूँ यहाँ पे, लाइट मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। मैं लाइट पे यहाँ पे जैसे लाइट हल्का हल्का जो भी कॉर्नर पॉइंट है उन कॉर्नर पॉइंट का पे थोड़ा सा ड्रॉ साइज कम कर लेते हैं यहाँ पे, उसको देखो यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट मैं ऐसा थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास ये दूर से विजुअल होने वाला है क्या, ठीक है। अभी ये चीज़ है मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ तो देन ये भी ठीक है। स्प्रे है, मैं सिंपल फ्री हैंड करता हूँ यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली मैं डील करना चाहता हूँ, मैंने इंटेंसिटी थोड़ा सा कम कर रखा है यहाँ पे। अभी ये थोड़ा सा मैं पार्ट ऐसे करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलता हूँ यहाँ पे, देखो कि कैसे क्या काम करना है। जितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स को मुझे हल्का हल्का यहाँ पे ड्रॉ करना है। याद रखना है मैं कम स्टैंड पे काम करूँ ताकि मुझे एक से दो बार ड्रॉ करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा स्टैंड पे काम करने का कोई वो नहीं है, ठीक है। ज़्यादा स्टैंड पे करोगे तो उसको आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा क्या। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि मैं आपको यहाँ पे कम से कम स्टैंड पे दिखाऊँ। अभी ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड दिख रहा है यहाँ पे मुझे। मेरा मेन मोटिव क्या है, बेसिक प्रोसेस क्या है कि मैं मिड टोन, लाइट टोन, डार्क टोन इन पर थोड़ा सा मैं काम कर दूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से काम करूँ तो मेरे देखो यहाँ पे ये चीज़ दिखेंगी क्या। लाइक ये भी टेक्सचर पेंटिंग में भी ऐसा नहीं होता कि बस एक बार ड्रॉ कर दो हो जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा। आप देखो ये पार्ट आपका ऐसा दिख रहा है, इन चीज़ को हाईलाइट करके अलग से दिखाना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो अभी बस दूर से देखो मेरे पास दूर से चीज़ें विजुअल हो रही हैं यहाँ पे। मैं चीज़ों के लाइक यहाँ से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइक पेंट किया यहाँ पे, ठीक है। हल्का हल्का मैं कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा विजुअल यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। तो इस पर थोड़ा सा मैं मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे टेक्सचर पेंटिंग भी एक अपने आप में टास्क है क्या। टेक्सचर में भी आप काम करते हो तो वो भी एक आपका अलग लेवल है यहाँ पे कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, किस टाइप से चीज़ को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे मैं बस यहाँ पर कट देखो यहाँ पे ये पार्ट हल्का सा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी एक ही चीज़ को दो से चार बार ड्रॉ करोगे तो चीज़ें विजुअल होंगी और प्रॉपर भी होंगी। अभी एक ही बार आपने इंटेंसिटी अगर ज़्यादा कर रखा है, एक बार आपने ड्रॉ किया वो कहीं गलत हो गया तो फिर आपको वहाँ पर सोचना पड़ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे फोकस कर रखा है मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो सेप है यहाँ पे, ठीक है। हल्का हल्का लेके यहाँ पे कहीं कहीं ड्रॉ करो जो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे यहाँ पे, जो शेप्स हैं बस जो, इसलिए मैंने कर्व्स थोड़ा सा मेंटेन करके आगे एक्स्ट्रा भी बनाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे चीज़ को हम लोग दिखाएं यहाँ पे तो मैं बस ये दिखें क्या, ये शेप में बस ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा कुछ शेप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक वो थोड़ा सा इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट एंड डार्क से यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ से मैं अगर नॉर्मली करूँ तो नॉर्मली पे यहाँ पे चीज़ देखें यहाँ पे, अभी आपको दो तीन टोन आराम से विजुअल हो रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कैसे डील कर रहा हूँ, ठीक है। बारीकी से जितनी आपको कर सकते हैं। अब देखो मैं लाइट टोन पे यहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइट टोन मैंने ऐसा कुछ पेंट किया यहाँ पे, ठीक है।
मुझे ऐसा कुछ डार्क को नहीं पेंट करना है। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैंने क्या किया, अभी जैसे मैंने एक रफली यहाँ पे चीज़ों को ड्रॉ कर दिया, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है ठीक है। ये शेप में यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ये शेप मैंने यहाँ पे धीमे धीमे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके और डिटेलिंग दे सकता हूँ। तो जस्ट पॉली पेंटिंग बोलते हैं, ठीक है, कि मैं पॉली को पेंट कर रहा हूँ, पॉली में किस तरह से पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये शेप मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। तो ये कमांड आपको सेट करना है आपको यहाँ पे, भाई मेरे पास शेप अगर जा रहा है तो किस टाइप से जा रहा है, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे आराम से नॉर्मली दिखा सकूँ। ये शेप में बस यहाँ पे गया, ये शेप में बस ऐसा गया, ठीक है। अभी देखो नॉर्मल चीज़ को दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़ा सा डार्क में गया, डार्क में ग्रीनिश डार्क में ले कर चलता हूँ क्या यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो मैं डार्क कलर कर रखा था, डार्क मेरे पास पहले से है। जो चीज़ें मेरे पास यहाँ पर हल्का सा मुझे दिखाना है, मैं थोड़ा सा डार्क पेंट यहाँ पे भी करता हूँ, लगता है थोड़ा सा स्ट्रेंथ मुझे बढ़ाना है। देखो यहाँ पे मैं इस पर भी थोड़ा सा ऐसा कुछ पेंट करता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा डार्क करना है, यहाँ पे देखो डार्क में आपको ये चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। अभी देखो गिन चुन के मैं अगर कुछ चीज़ों को मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास कहाँ पे क्या पेंट करना है, ठीक है, किस टाइप से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो लाइक ये पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पेंट किया है, कॉर्नर पर मैं पेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जितने मैं उस डार्क एरिया है देखो बीच में जो डार्क एरिया है वैसे मैं थोड़ा सा इधर पर पेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप नॉर्मली अच्छा कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे स्प्रे भी थोड़ा सा यूज़ करके आप काम कर लो तो भी थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, कि वेरिएशन थोड़ा सा आपको मिल जाएगा क्या अच्छे। देखो यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे, तो इन चीज़ों के साथ भी आपको प्ले करना आ जाएगा कि भाई आप कैसे लाइट और डार्क टोन पर काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा करके आप मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेरे पास जो डार्क वाला एरिया है, डार्क वाले को मैं थोड़ा सा और ये चीज़ें थोड़ा सा ऐसे पेंट करके देता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ और हल्का सा लाइक इम्पैक्ट और इफेक्ट थोड़ा सा बढ़िया दिखे क्या। कहीं कहीं पे मैं ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मेरे पास शेप है यहाँ पे, मैंने नीचे की तरफ में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन नहीं है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके भी थोड़ा सा देखो दो तीन टोन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बस कुछ अलग अलग पार्ट भी आपको देखेंगे हल्का हल्का, कहीं कहीं पर मैंने यहाँ पे स्प्रे करके इस टाइप से दिखा भी दिया कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। तो लाइक यहाँ पे क्या थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा क्या कि आप यहाँ पे किस टाइप से काम करो। अब मेन चीज़ क्या है, मेरे पास कहीं कोई चीज़ ब्लैक बहुत ही ज़्यादा ना हो, समझ रहे। लाइट पे हम लोग यहाँ पे गए तो ऐसा ब्राउन पे यहाँ पे गए, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे भी काम करता हूँ हल्का सा, मैंने इस पे भी इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे कर दे गया लाइक काइंड ऑफ। तो ये जो पार्ट है जो हमें स्प्रे वाला पार्ट मिल रहा है, ये पार्ट हमारे फोटोशॉप में नहीं मिल पाता क्या, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे तो ऐसा इस टाइप से मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर पाता हूँ। देखो यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अच्छे से बेटर वे में दिख जाएगा, मैं जहाँ तक मैंने यहाँ पे काम किया वहाँ तक मैं चीज़ को दिखा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें इस टाइप से भी विजुअल होंगे क्या, ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे मेरे पास क्या, मैं लाइट टोन दिख रहे हैं, डार्क टोन दिख रहे हैं, मिड टोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ हमें ध्यान से देखना है क्या।